हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग खेल रहे हैं हार्ट्स ऑफ आयरन 4 और आज हम लोग करेंगे डन 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 वर्ल्ड वॉर 2। जी हाँ, डॉल्फी हिटलर के साथ। जी चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल प्लेयर गेम और नया गेम स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग को मैं सिखाऊंगा भी ये गेम कैसे करते हैं, कि ये गेम एक्चुअली बहुत ही तड़पाने वाली चीज हो सकती है, मतलब बिल्कुल दिमाग खराब कर देती है कब क्या करना है। तो अगर आप न्यू प्लेयर हैं तो मेरा सबसे पहले आपको यही रहेगा कि आप जनवरी 1936 से स्टार्ट करेंगे, कि यहाँ पर से आपको मेन स्टोरी पता चलेगा क्या होगा। अगर आपको सीधा वॉर में घुसना है तो 1939 ठीक है, लेकिन 1936 मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए 1936 से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चूज करेंगे कंट्री। सबसे पहले अपने पास है ये भाई साहब, जिनकी नाक मेरे को लगता है मधुमक्खी ने काट लिया है, और ये फ्रांस के मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट साहब है, लीडर है फ्रांस के, पता नहीं प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है। और ये फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका के प्रधानमंत्री की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, जी हाँ राष्ट्रपति थे। और ये भाई साहब वो हैं जो इलेक्शन हार गए थे, जिनके बाद विंस्टन चर्चिल आए थे, और ये अपना भाई हिटलर है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे इजी जो गेम आपको मिलेगी वो जर्मनी से ही मिलेगी, कि जर्मनी के पास स्टार्टिंग में बहुत पावर है। तो अगर आप मेरे इसको फॉलो करेंगे तो मैं सबसे पहले जर्मन रीश का ही वो करूंगा। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं जर्मन रीश को, और ये रहा जर्मनी। अब आपको थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की बैट टूट गई है, उसकी हालत खराब हो गई है, उसको उसके आस पड़ोस के जो नेबर है उन्हें क्रिकेट खिलाना बंद कर दिया है। तो ठीक, तो डिफिकल्टी हम लोग रखेंगे रिक्रूट पे, रेगुलर है, वेटरन है, इलीट है, आपको जितना रखना है रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिविलियन रखिए या फिर रिक्रूट रखिए। तो ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ में खेल रहा हूँ, तो सिविलियन रखेंगे। हिस्टोरिकल एआई का फोकस ऑन रखिए हमेशा, इसी कारण इससे ही आपको मिलेगा कि हाँ हिस्ट्री थोड़ा फॉलो करेगी गेम। तो सिनेरी अपने पास गैदरिंग स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग कंट्रीज, और क्या हो सकती है अदर कंट्रीज में अपने पास है, पोलैंड है, ओके, तो इंडिया भी होगा पक्की बात है, यहाँ भारत देश मेरा महान, जी हाँ ब्रिटिश राज, उस टाइम के लिए इंडिया नहीं था, ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज है। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं जर्मनी से, और आयरन मैन मोड इनेबल नहीं करना है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट टाइम है आयरन मैन मोड इनेबल मत कीजिए, इसके कारण आपको सेव करने की पावर नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस गेम को, और तोड़ते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की हड्डियां, करते हैं पोलैंड पे कब्जा। लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ये अपना पास पूरा वर्ल्ड मैप है इसमें एक्चुअली, और ये देन रात सब है, आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को जो करना है, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कुछ आ रहा है, और ये बता रहा हूँ ये लेटेस्ट गेम है, लार्ज डिस्टेंस जो डीएलसी है उसको इंक्लूड कर रही है, और आज का यहाँ पे टाइम क्लॉक है, और यहाँ पे वर्ल्ड में जितना भी टेंशन हो रहा है वो टेंशन है 100 हो गया, तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर वन। और अभी आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में आपको यहाँ पे जो ये है राइनलैंड, उसको सील कर दे देगी, यहाँ पर जर्मन आर्मी एंटर नहीं कर सकती। तो अपने पास टोटल अभी है टोटल अनसाइंड डिवीजन है अपने पास कई, तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा आपको कि आप अनसाइंड यूनिट्स को यूनिट्स में डालें। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनमें से जो भी बंदा अपने लड़ाकू है मतलब आर्मी में है, आर्मी वालों को 24 डिवीजन को अलग करते हैं और एक नई आर्मी बनाते हैं, यहाँ पर से नई आर्मी बनेगी, ठीक है दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट इस टाइम नहीं है। और यहाँ पे अपना डॉल्फी हिटलर, जो कि मैं हूँ, नहीं मैं हिटलर नहीं बन सकता। तो अगर मेरा सबसे आप करें तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब जो जो हमें यहाँ बताया गया है उसी पे काम करें। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कोई रिसर्च स्लॉट अवेलेबल, अपने को 4 रिसर्च स्लॉट दी गई है, आप रशिया को मेरे ख्याल से 3 देते हैं, अमेरिका के पास 3 रहती हैं, ब्रिटिश राज के पास मैं खेला हूँ तो एक ही रहती है, लेकिन जर्मनी का मेन मकसद है सबको हराना, तो मेरे ख्याल से इसी कारण रिसर्च स्लॉट जर्मनी को ज्यादा दी गई है। तो अभी सबसे अच्छा रिसर्च करने का रहेगा, हम लोग डॉक्ट्रिन पे रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन रेडियो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इसका बहुत ही अच्छा रहेगा, और स्टेट रिसर्च टेक्नोलॉजी में हम लोग लैंड डॉक्ट्रिन करेंगे जो कि है डीले पे। और जो थर्ड हम लोग करते हैं इन्फेंट्री, क्योंकि इस समय ये चीज हम लोग के पास, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो अभी बहुत अच्छा काम आएगी। और तो नॉर्मली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो समय अभी चल रहा है कि 1936 है यही करें, नहीं तो इसके बाद पे जो लगता है उसमें टाइम पेनल्टी लगती है, और टाइम पेनल्टी से बिल्कुल मजा खराब हो जाता है। तो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री भी, जी हाँ बेसिक मशीन टूल मैं करना भूल गया था, लेकिन बेसिक मशीन टूल सबसे इंपॉर्टेंट है,
और नेक्स्ट अपने पास अभी सिविलियन फैक्ट्रीज फ्री है, तो हम लोग सिविलियन फैक्ट्री से क्या कर सकते हैं? याद रखें कि सिविलियन फैक्ट्रीज ही हैं जिनके कारण हम लोग ट्रेड कर पाते हैं या और भी कुछ होता है। तो सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, जहाँ जिस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उस सिटी में जल्दी जो बिल्डिंग बनने उनको बिल्डिंग बनने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मिलिट्री फैक्ट्रीज बना लेते हैं। पहले हम लोग एक मिलिट्री फैक्ट्रीज यहाँ और एक यहाँ, इसके बाद मैं थोड़ा सिविलियन फैक्ट्रीज बनाना चाहूंगा, जो कि ठीक है अभी अपने पास पूरा हो गया। अब मिलिट्री फैक्ट्रीज फ्री अपने पास, और हम लोग अभी इसका देख रहे हैं कि आउटडेटेड इक्विप्ड प्रोडक्शन, इसको हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, इससे कुछ पंगा नहीं लेंगे। अभी मिलिट्री फैक्ट्रीज अपने पास फ्री, अपने में टोटल 28 मिलिट्री फैक्ट्रीज है, 20 काम कर रही है, बाकी सब काम चोर बनी हुई है, तो इनको काम पे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ कम हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये ग्रीन में है, मतलब जो बन रहे हैं अभी ठीक बन रहे हैं, मतलब जो ये येलो में है इसका मतलब पूरी पूरी जरूरत ही कंप्लीट हो रही है, जितना हम लोग को चाहिए उतना नहीं हो रहा है, मतलब इनको अभी हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, ये फालतू बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पर है ये अभी स्टॉक नहीं हो रहे। तो अपने पास टोटल 28 है, तो मैं सबको एक दो दो एक्स्ट्रा दे दूंगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। आप स्पेस से गेम को पॉज या अनपॉज कर सकते हैं, आपको नहीं पता तो। और नेशनल फोकस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल फोकस। अभी स्टार्ट में अगर आप किसी भी कंट्री से खेल रहे हैं तो सबसे पहले 4 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, जो भी प्लान है उस कंट्री का वो करना मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है, क्योंकि आपसे बहुत ही रिसर्च बोनसेस मिलते हैं, ये सब होता है। और तो नेक्स्ट बचे नो डिविजन इन बेसिक ट्रेनिंग, अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे कि अभी वॉर टाइम स्टार्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी तो 1936 से वॉर स्टार्ट होती है 1940 में, 4-5 साल, 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग पहले आर्मी बनाए थे इसको हम लोग पोलैंड की इसमें लगाएंगे, बॉर्डर्स पे, इनर बॉर्डर्स पे। इसको कैसे करना है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो फ्रंट लाइन है इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे दबा दीजिए, तो और अपने आप जो ये है लाइनिंग हो जाएगी कि जहाँ अपने बॉर्डर पे सामने अपने आप आ जाएगी। और आपको एक और अच्छा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी बना लीजिए, और तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, इस बनने के बाद भी चेंज हो सकते हैं। नॉर्मली 30 डेज लगते हैं एजेंसी को बनने में, मैं ये लिखता हूँ जिसमें एक बाज तीर को चोरी करके भाग रहा है, इसका नाम रखते हैं हम लोग ईगल्स तीर, क्योंकि ईगल चोरी कर रहे हैं, तो ये एजेंसी हो गई क्रिएट। एजेंसी क्रिएट होने में 30 डेज लगेंगे। चलते हैं, तो आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। अभी अपने पास जो बेसिक यूनिट्स बचे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं, गेम की स्पीड देते हैं थोड़ी बड़ा, आगे चलते हैं। थोड़े दिन बाद जब अपना कोई फोकस कंप्लीट हो जाएगा, जब अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी बन जाएगी, तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो जैसा कि अब आप मित्र लोग देख सकते हैं कि अपनी जो ईगल स्टील की एजेंसी है वो बन चुकी है, देखते एजेंसी क्रिएटेड हो गई है, तो इसको कुछ नहीं करना, अभी ओके कर देंगे। एजेंसी पे अपडेट जरूर लगाएगी, कि अपडेट के बाद हम लोग को एक्स्ट्रा जो वो है मिलते हैं, एक्स्ट्रा स्पाइस मिलते हैं, और हम लोग इसे स्पाई मास्टर भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये रहता है कि मैं डिपार्टमेंट फॉर्म करूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट फॉर्म करने के बाद हम लोग इधर उधर पोलैंड की, फ्रांस की इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं। आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, वो है कि आप यहाँ पर से डिसीजन ले सकते हैं, डच ट्रेड का डिसीजन लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इनको पीस का दावा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल होने नहीं वाला है। हिटलर बिल्कुल डॉल्फी मतलब पीस वाला बंदा था ही नहीं, ना मैं हूँ, तो हम लोग जंग करेंगे, प्रॉमिस ऑफ पीस कुछ नहीं करने अपने को। मीफो बिल्स को आप कैंसिल मत करिए, तो अच्छा लगे, क्योंकि मीफो बिल्स आपको बहुत ही ज्यादा पावर देते हैं, आपको एक्स्ट्रा पीपी यानी कि पॉलिटिकल पावर देते हैं, और आपको एक्स्ट्रा सामान देते हैं। और यहाँ पर से आप हम लोग देख सकते हैं कि लॉज और गवर्नमेंट्स क्या है, हम लोग कौन कौन बनता है, और खास इसमें ये है कि यहाँ पर ट्रेड आप देख सकते हैं कि जैसे अपने पास रबर की थोड़ी कमी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, अगर अपने पास रबर की कमी ऐसी बनी रहेगी तो जो हम लोग वहाँ पे प्रोडक्शन पे, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन पे हम लोग लगाए थे ये सब सामान, ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसी कारण हम लोग को यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को रबर की बहुत कमी आ रही है, ठीक, तो जो काम 13 दिन में हो रहा था वो 26 दिन में हो रहा है, इसी कारण आप यहाँ पे रबड़ पे क्लिक करिए, तो डच ईस्ट इंडीज हमें रबड़ दे सकते हैं ठीक दाम पे। यहाँ पे आप कर दीजिए, अपने आप सेट कर लेंगे, और इसको करते हैं सेंड। अब आप स्पेस लगा के गेम को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, देखिए नंबर ग्रीन में चेंज हो गया, मतलब अपने लिए ये बिल्कुल काफी है। और फिर बस और भी वो बचे थे जिनको बंदे जो हम लोग को भी नहीं चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस गाय, ये आर्मी में आ चुका है डिवीजन, और ये डिवीजन आर्मी में नहीं आया है, तो हम लोग इनमें से सिर्फ टैंक्स को लेंगे, सिर्फ पैंजर डिवीजन, ठीक, पैंजर डिवीजन को अलग कर देंगे, और जितने भी बंदे एक्स्ट्रा बच रहे हैं ये 3 डिवीजन, ये 3 डिवीजन को अलग कर देंगे। ये जो 3 डिवीजन बचे हैं इन 3 डिवीजन्स को अलग कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इनके लिए जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन इन लोग को लीड करेगा, तो अपना जर्मन
अरविंद रोमल बेस्ट है इन्फेंट्री के लिए, तो मैं आपको करूंगा इस छोटी सी नाक वाले बंदे को लीजिए और आपको जॉन सीना टाइप की पावर देगा। तो जॉन सीना को लेते हैं हम लोग, और टैंक्स को मैनेज करने में सबसे अच्छा बंदा अगर कोई है तो वह है हिंस गिडारिया। तो अगर आप माने या ना माने मेरे को नहीं पता, इस बंदे की मूंछ भले हिटलर टाइप की हो ना हो, मेरे को हिटलर टाइप की लग तो रही है थोड़ी थोड़ी। जो भी हो, ये बंदा टैंक्स को बहुत अच्छा मैनेज करता है। और नेक्स्ट में हम लोग लेंगे यहाँ पर मिस्टर एरिक वॉन मानस्टीन को। अब सॉरी इफ द रेम इज इनकरेक्ट, बट इसका नाम ही ऐसा है। तो एरिक वॉन मानस्टीन को लेंगे और एक सुप्रीम जनरल कमांडर बनाएंगे। तो सुप्रीम जनरल कमांडर अभी बनने के लायक गंधर 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 बनी गंधर गंधर को लेंगे हम लोग। और यहाँ पर इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ये इसी के साथ असाइन हो जाएगा। और अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 24 है, मतलब 24 में टोटल 24 है, लेकिन जो अपना हिंस गडारियन है या फिर अरविंद रोमल है, अरविंद रोमल नहीं, क्या नाम था इसका, एरिक एरिक है और हिंस गडारियन है, इसके पास 3 out of 24, 3 out of 24 है। इसी कारण हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्रूट करना। तो अपनी इसको यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग की मैन पावर कितनी है, मतलब मैन पावर ये हुई कि हम लोग इतने सोल्जर्स को ले सकते हैं। तो हम लोग मैन पावर देखते हैं, तो पेंजर डिवीजन को ट्रेन करते हैं, सिंगल डिवीजन नहीं रहेगा, हम लोग यूनिट ऐड करेंगे। आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो जल्दी ऐड होंगे। ले ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग के पास मैन पावर भी कम नहीं है, तो हम लोग को कट करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास मैन पावर नहीं है। और फिर लाइट टैंक, इन्फेंट्री इक्विपमेंट, मोटराइज सपोर्ट इक्विपमेंट और टोड आर्टिलरी हम लोग को चाहिए। और यहाँ पर जब जो कुछ देख रहे हैं ये अपने को यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये गेम बिल्कुल ही दिमाग वाली है, अब थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा। अभी अपना 4-year plan भी चल रहा है और यहाँ पे अपनी रिसर्च भी चल रही है, मैं यहाँ देखा नहीं था, लेकिन ये डिले रिसर्च है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसको हम लोग को तब करना चाहिए था जब वॉर स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब पछता है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले गुड बाय, इट इज आउट।